हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स और एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है विद अ गिवन नंबर, जितने भी नंबर गिवन है इसमें, और उनका हमें क्या क्या गिवन है इसमें, सम और प्रोडक्ट। यानी ये सम और ये प्रोडक्ट, इसी तरीके से सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, इसके जीरोज का सम गिवन है हमें और जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने जो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने कुछ बताया था इसके बारे में कि जो जीरोज का जो सम होता है उसको जीरोज को मैंने क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये दो जीरोज होते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, हमने दो जीरो मान दिए अल्फा और बीटा, और दोनों का सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम हमें गिवन है कितना, 1/4, और प्रोडक्ट कितना गिवन है, -1। तो जो सम है उस सम की जगह हम क्या रखेंगे, 1/4 इक्वल्स टू -b/a। इसकी कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है क्योंकि हमें यही निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा जिसके जीरोज का सम ये है, जीरोज का प्रोडक्ट ये है। इसके बाद जीरोज का प्रोडक्ट कितना है, -1। तो जीरोज क्या है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट कितना है, -1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखिए यहां इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो वहां 1 मान लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू क्या है, -1, ए की वैल्यू 4 हो गई। यहां सी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू लेकिन 1 है, जबकि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू यहां 4 है तो ए की वैल्यू यहां भी 4 ही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी दोनों जगह, ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू देखिए यहां माइनस है तो ये माइनस इस नंबर पे आ जाएगा। अगर दोनों जगह यहां पे भी माइनस होता है, यहां माइनस तो माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाता है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, -1, बी इक्वल्स टू -1। और सी इक्वल्स टू क्या होगा, सी की वैल्यू होगी हमारी, देखो ये होगी 4 बन जाए, 4 और प्लस माइनस माइनस, तो सी की वैल्यू क्या होगी, -4। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह क्या रखेंगे हम, 4, तो 4x² प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, -1 यानी -1x, और प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, 4x² प्लस माइनस माइनस एक्स बन जा एक्स, और प्लस माइनस यहां पे भी -4। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया जिसके जीरोज का सम 1/4 है, जीरोज का प्रोडक्ट कितना है, -1। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से जो उसका सम और प्रोडक्ट के हिसाब से बिल्कुल हम वैल्यूज रखेंगे, और वैल्यूज रखने के बाद हमें ए बी और सी तीनों वैल्यूज मिल जाएगी। तो इसको किस में रखेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की फॉर्म में रख देंगे, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो हमें निकालना था। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी जो जीरोज है, जीरोज का सम गिवन है कितना, जीरोज का सम है √2 -b/a, और जीरोज का प्रोडक्ट कितना है, जीरोज का प्रोडक्ट हो जाएगा सी अपॉन ए होता है ये, और प्रोडक्ट है कितना, 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। और मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या करता, ए की वैल्यू मैंने सेम कही थी यहां पे कि ए की वैल्यू यहां 4 है तो यहां भी 4 ही होनी चाहिए। इसलिए देखिए यहां पर ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहां की ए की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां 3 है तो यहां भी ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस इस नंबर पे आ जाता है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो 3√2, और ये माइनस इस नंबर पे आ जाता है, तो बी की वैल्यू होगी -3√2, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू है 1, सी इक्वल्स टू 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए होती है, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 3, तो ये हो गया 3x² प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह आ जाएगा माइनस का 3√2 और एक्स, प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, 1, तो ये हो गया 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x + 1, ये हो गया आंसर।
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया जिसके जीरोस का सम ये है और प्रोडक्ट ये है। तो उसी तरीके से इसके जो और पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है, हम थर्ड पार्ट को भी कर लेंगे इसी तरीके से। थर्ड पार्ट में देखिए जरा, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट में जीरो और फाइव है, तो जीरोस का अगर सम हम देखते हैं यहां पे तो कितना है, जीरो। दोनों जीरोस का सम क्या है, जीरो माइनस बी अपॉन ए। और जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, जीरोस का प्रोडक्ट है अंडर रूट फाइव। जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, अंडर रूट फाइव सी अपॉन ए। अब देखिए चेक करिए जरा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन है यहां पे, ए की वैल्यू यहां क्या है, यहां भी वन है, तो दोनों सेम है, तो ए की वैल्यू क्या होगी वन, बी की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। और ये माइनस का साइन इस बार आ जाता है, लेकिन जीरो कभी भी माइनस की नहीं होती, जीरो ना ही नेगेटिव होती ना पॉजिटिव होती, तो बी की वैल्यू क्या होगी जीरो, और सी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट फाइव, सी इक्वल टू अंडर रूट फाइव। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे वन, यानी वन एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखेंगे जीरो, जीरो इंटू एक्स प्लस सी की जगह क्या रखेंगे अंडर रूट फाइव। तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस, किसी के भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जीरो ही आएगा, तो यहां जीरो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाली टर्म तो जीरो बन गई। इसके बाद क्या आएगा लास्ट में अंडर रूट फाइव, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यहां जीरो नहीं लगाएंगे, अगर जीरो का मल्टीपल यहां पे जीरो ही हो जाएगा ये, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो जो टर्म है वो कैंसिल ही हो जाएगी जीरो से, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। नेक्स्ट आता है नंबर फोर। नंबर फोर में देखिए यहां पे क्या गिवन है, हमें सम भी वन है और प्रोडक्ट भी वन है। अब की बार जो सम दे रखा है वो भी क्या है वन, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या है वो भी वन है, यहां भी वन होगा। अब चेक करिए जरा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू यहां पे वन है, ए की वैल्यू यहां भी वन है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू वन हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी ये वाला माइनस इस वन पे आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या होगी यहां पे, ये हो जाएगी माइनस वन, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू वन, तो सी की वैल्यू वन होगी। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह क्या रखना हमें, ए की वैल्यू यानी वन एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है वन, तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स बन जा एक्स बन जा एक्स और प्लस वन। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिनका सम क्या है वन और प्रोडक्ट क्या है वो भी वन है। इसके बाद आता है इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए यहां इसका फिफ्थ पार्ट आ जाएगा और थोड़े बहुत चेंजेस हमें इसमें करने पड़ेंगे, तो यहां कुछ चेंजेस है वो कर लेते हैं हम, उसी हिसाब से इसकी जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो जाएगी। तो फिफ्थ पार्ट में सम कितना है, सम है माइनस वन अपॉन फोर और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है वन अपॉन फोर। तो सम अगर माइनस वन अपॉन फोर है तो उसको लिखेंगे इस तरीके से माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या है वन अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर इक्वल टू सी अपॉन ए। ए की वैल्यू चेक करेंगे, ए की वैल्यू फोर यहां भी फोर, तो ए की वैल्यू क्या हो गई फोर होगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या होगी वन, बी इक्वल टू वन, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू भी वन। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह क्या रखना हमें फोर यानी फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखना है वन यानी वन इंटू एक्स प्लस सी की जगह क्या रखना है यहां भी वन है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर एक्स बन जा एक्स और प्लस वन, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये फिफ्थ पार्ट हो गया। इसके बाद में इसका एक लास्ट पार्ट और भी है सिक्स पार्ट, जिसमें सम कितना है जीरोस का फोर और जीरोस का प्रोडक्ट कितना है वन। तो यहां भी कुछ चेंज कर लेते हैं, तो कुछ चेंजेस करने से यहां थोड़े से बदलाव आएंगे इसमें। तो पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया सिक्स पार्ट। तो जीरोस का सम कितना है यहां पे फोर है, तो फोर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इसके बोल में कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे वन लिख लेंगे। इसके बाद जीरोस का प्रोडक्ट कितना है वन, तो यहां लिखेंगे वन, वन के अकाउंट में भी कुछ नहीं है तो वन ले लेंगे।
ए की वैल्यू देखिए चेक करिए, ए की वैल्यू वन, ए की वैल्यू वन, तो ए की वैल्यू क्या होगी वन, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी यहां हमारा माइनस इस पे आ जाएगा माइनस फोर, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू वन है, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह क्या पुट करना है वन, यानी वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखना है माइनस फोर इंटू एक्स प्लस सी की जगह क्या रखना है वन, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस फोर एक्स प्लस वन, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इनका सम कितना है, इनका सम है फोर और इसका प्रोडक्ट कितना है माइनस वन। आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर वन, डिवाइड द पॉलीनोमियल, इसमें पॉलीनोमियल को क्या करना है डिवाइड करना है पीएक्स, पीएक्स मीन्स पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स, और बाय द पॉलीनोमियल जीएक्स, और दूसरे पॉलीनोमियल से उसको डिवाइड करना है, एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। क्या करना है, एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें कोशेंट और रिमाइंडर निकालने हैं। तो ये पॉलीनोमियल क्या है, ये होगा हमारा डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, और पॉलीनोमियल ये वाला क्या होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। तो इसके तीन पार्ट है, तीनों पार्ट में पहले क्या है पीएक्स की वैल्यू ये रखी है, यानी ये हो गया डिविडेंड, और जीएक्स की वैल्यू ये होगी, ये क्या हो गया डिवाइजर। अब हमें क्या करना है, इस डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा इसमें ये हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और जो बचेगा वो होगा रिमाइंडर। तो देखिए सबसे पहले आपने तो क्वेश्चन ये कर रखे होंगे, नाइन्थ में भी करे होंगे, इसमें एट्थ में भी आते हैं कुछ डिवाइड के सम्स, किसी किसी बुक में हर बुक में नहीं होते, लेकिन फिर भी आएगा थोड़ा सा, इसको मैं बिल्कुल डीपली समझा के चलूंगा, अच्छे से समझ लेना। एक्स की पावर चेक करिए, देखो एक्स की पावर यहाँ पे जो डिवाइडर है उसमें टू है, और यहाँ एक्स की पावर है थ्री, तो हमें एक्स की पावर यहाँ वन लेना होगा, क्योंकि एक्स की पावर वन और टू कितना हो जाएगा थ्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर थ्री। अब देखो जब हम किसी भी बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं जिसमें दो टर्म होती है, तो इसके मल्टीप्लाई जैसे इसमें करके हमारा एक्स की पावर थ्री आ गया, इसी तरीके से एक्स की मल्टीप्लाई माइनस टू से भी करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स की माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स, और प्लस माइनस माइनस। अब ये मैंने यहां नहीं लिखा इसके नीचे, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म हो जाती है, लाइक टर्म ये है दोनों, इसलिए मैंने माइनस टू एक्स को यहां लिखा है इसके नीचे, इसके नीचे नहीं लिखा है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद साइन चेंज करना होता है, जो भी यहाँ साइन होता है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। तो अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो पहले बार जो टर्म होती है वो कट जाए, क्योंकि ये प्लस की है एक्स की पावर थ्री, ये माइनस की होगी एक्स की पावर थ्री, तो दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये बात जो टर्म बची एक्स स्क्वायर वाली, उसको हम इस तरीके से यहां लिख लेंगे। अब ये वाले 5x ये भी प्लस का है, और ये वाला जो 2x है इसका भी साइन चेंज हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 2x यहां पे, और क्या करेंगे माइनस 3, इसको भी नीचे उतार लीजिए। अब देखिए तो हमें साइन चाहिए यहां माइनस, यहां प्लस साइन है, ये वाला साइन प्लस है, तो हम यहां माइनस लेंगे, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो हमें एक्स लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम क्या लेंगे यहाँ पे थ्री, क्योंकि थ्री की मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस, यहां लेंगे इसको, और थ्री टू जब सिक्स, यहाँ क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए दोनों को एक साथ लिया है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कट जाएंगे, और यहां क्या बचेगा, ये बचेगा आपका सॉरी ये ऐड हो गया था ना, फाइव में टू ऐड हो गए, यहाँ सेवन एक्स हो जाएगा, तो ये सेवन एक्स है, और ये हो गया आपका सेवन एक्स, और माइनस माइनस ये भी ऐड हो जाएगा, ये हो गया नाइन। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस थ्री, क्वेश्चन इज एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा सेवन एक्स माइनस नाइन, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन और रिमाइंडर, यानी पी एक्स पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स और जी एक्स, ये क्या ये हमारा डिवाइजर हो गया, लेकिन इसमें भी एक्स ही वेरिएबल है, तो इसमें हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसको भी यही कर लेते हैं इधर ही। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में जो जी एक्स है वो क्या है एक्स स्क्वायर। एक और बात में बता दूं, ये जो है आपका जो जीएक्स है जो डिवाइजर है वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। अब हम इसे डिवाइजर की जगह रखेंगे और उससे जो हमारा पीएक्स की वैल्यू दे रखी है, पीएक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले क्या किया, जो जीएक्स दे रखा था जो डिवाइजर है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन करके, तब हम उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखिए, डिवाइड करने का तरीका एक ही रहेगा दोनों में, पहले वाले में भी, इसमें भी। जो एक्स की पावर है यहाँ पे देखिए एक्स की पावर फोर है और यहाँ जो डिवाइजर है एक्स की पावर टू है, तो हम यहाँ पे एक्स की पावर टू लेंगे, तो क्योंकि एक्स की पावर टू ये और टू ये होगी तो ये हो गया एक्स की पावर फोर। इसी तरीके से मल्टीप्लाई जैसे मैंने इसकी से करके ये आ गया, ऐसी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा एक्स की पावर थ्री, ये माइनस एक्स की पावर थ्री, इसको भी यही लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा एक्स की पावर थ्री और एक्स स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन चेंज करने होते हैं इसके, ये प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब चेक करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स की पावर फोर, एक प्लस का एक्स की पावर फोर एक माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का वन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। और उससे पहले क्या था हमारा एक्स की पावर थ्री, क्योंकि हम भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, एक्स की पावर थ्री है वो भी प्लस साइन के साथ में, क्योंकि ये वाला साइन चेंज हो गया प्लस हो गया, एक्स की पावर थ्री और माइनस थ्री और वन, थ्री एक्स स्क्वायर और वन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर और इसके बाद आता है प्लस का फोर एक्स। अब देखिए यहाँ एक्स की पावर थ्री है और यहाँ एक्स की पावर टू है, तो यहाँ हम एक्स की पावर वन लेंगे, यानी एक्स की पावर वन अपने आप में होगा ये, तो वन और टू कितनी हो गई एक्स की पावर थ्री, एक्स की मल्टीप्लाई फिर एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स बन जा एक्स। यहां भी हमें साइन चेंज करने होते हैं, जो भी साइन यहाँ पे है उसको चेंज करना है बस, ये नहीं है कि ऊपर वाला साइन इसमें कंसीडर होगा ही नहीं, सिर्फ नीचे वाले जो साइन होते हैं ये वाले कंसीडर होते हैं और ये सारे चेंज जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का वन एक्स स्क्वायर, तो फोर में से वन माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, इसके बाद फोर एक्स में से वन एक्स माइनस होगा तो यहाँ बचेगा प्लस का थ्री एक्स। अभी ये हमें तो साइन चाहिए माइनस का, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तभी यहाँ माइनस आएगा। इसके बाद लेंगे हम थ्री, क्योंकि थ्री की मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये आएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, थ्री की मल्टीप्लाई किससे करेंगे एक्स से, तो थ्री कितना हो गया थ्री एक्स और ऊपर से हमने कितना उतारा यहाँ पे फाइव उतार लेते हैं और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और थ्री बन जा थ्री। साइन चेंज कर देंगे सबके, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ, तो साइन चेंज करने से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर एक माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो गए, ये थ्री एक्स और थ्री एक्स, ये भी एक थ्री एक्स प्लस का है, दूसरा थ्री एक्स माइनस का हो गया, ये भी कैंसिल हो गए और फाइव में फाइव प्लस है और थ्री भी प्लस है तो ये एट बच जाएगा यार, ये हो गया रिमाइंडर। तो क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होंगे इसमें, क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर क्या होगा एट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, इसका एक पार्ट और बचता है अभी, तो बीच में वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सॉल्यूशन का। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी आपको इसी तरीके से करना है। थर्ड पार्ट में जो डिवाइजर है वो क्या है, डिवाइजर देखिए यहां पे डिवाइजर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिवाइजर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर आएगा उसके बाद प्लस टू आएगा, यानी इस तरीके से आएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। और पीएक्स क्या है, पीएक्स है एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कितना, एक तो हमें देखो साइन यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी प्लस आता है। एक्स की पावर कितनी चाहिए यहाँ पे फोर, हमारे पास में कितनी है टू, तो यहाँ क्या करेंगे हम एक्स की पावर टू ले लेंगे, एक्स की पावर टू ये होगी टू ये होगी तो ये आ जाएगा एक्स की पावर फोर। अब टू एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस और टू की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया प्लस का टू एक्स स्क्वायर
और माइनस का 5x, ये कटेंगे नहीं आपस में, ये कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों अनलाइक है, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है खाली, इसलिए दोनों ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, माइनस सॉरी प्लस 6। इसके बाद फिर प्लस साइन चाहिए यहां पे हमें, तो प्लस साइन के लिए क्या करेंगे, माइनस यहां पे है तो यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां 2 लेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया, और माइनस प्लस यहां भी माइनस हो गया, और माइनस और 2 टू 4 कैंसिल आउट कर देंगे, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा माइनस 5x और 6 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, क्योंकि ये 6 भी प्लस का है और 4 जो है ये भी प्लस का है, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर क्या होगा माइनस 5x प्लस 10। तो इस तरीके से हमने जो तीन पार्ट थे तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, हमें बस करना यही था कि इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना था।